नमस्कार साथियों, यूडाइस ऑनलाइन करने हेतु सभी मॉड्यूल्स को लाइव किया जा चुका है। सभी मॉड्यूल पर आपको कार्य कैसे करना है उससे जुड़ी प्रक्रिया से युक्त वीडियो मैं रामनिवास मेहरा आपको चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है और आपको उन वीडियो की आवश्यकता है तो आप एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य विजिट कीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता है तो सभी प्रकार के वीडियोस के लिंक उपलब्ध करवाए हैं। आप उन वीडियोस की सहायता लेकर आसानी से अपनी यूडाइस को त्रुटि रहित ऑनलाइन कर सकते हैं। अब बात करें यूडाइस के प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल की, जो आपका इनकम्प्लीट है उसको आपको कैसे कंप्लीट करना है, यही प्रक्रिया इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा इसी प्रकार का कोई इंपोर्टेंट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो का लाभ भी आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं यूडाइस के प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल को कंप्लीट करने की प्रक्रिया। यूडाइस के प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना है, प्रक्रिया समझ लेनी है। उसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां मैंने आपकी सहायता हेतु एक डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवाया है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन करना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपके यूडाइस कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी यूडाइस लॉगिन के पासवर्ड आपने बना रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे, इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप यूडाइस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। आपको यहाँ सबसे पहले नंबर पर जो टैब मिलेगी प्रोफाइल एंड फैसिलिटी नेम से मिलेगी, दूसरे नंबर पर आपको यहाँ टैब मिल जाएगी टीचर्स नेम से, और तीसरे नंबर पर आपको जो यहाँ टैब मिलेगी स्टूडेंट नेम से। तो इन सभी मॉड्यूल्स पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो में आपको पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूँ। मैंने वीडियो के आरंभ में भी आपको याद दिलाया है कि आप इन मॉड्यूल पर कार्य करना सीखना चाहते हैं या कार्य करना चाहते हैं तो आप एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य विजिट कर लीजिएगा। आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर कि जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल हमें यूडाइस पोर्टल पर अवेलेबल करवाया गया है उसका पहला पेज हम सेव नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या उसका सोल्यूशन हुआ है, क्या आप पहले पेज को सेव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में अभी आगे मैं देने वाला हूं। तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। तो यहां आपको पेज की इंफॉर्मेशन दी गई है, इन सभी पेज पर मैंने आपको कार्य करके पहले बता दिया है, इसलिए साथियों मैं आपका ज्यादा समय यहाँ नहीं लूंगा। मैं डायरेक्ट अपने बिंदु पर आता हूं कि यहां आपको पहले नंबर पर जो पेज दिया हुआ है जिसमें आपके स्कूल की बेसिक इंफॉर्मेशन और प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन आपको देनी है, आप यहां पर देखेंगे तो आपको इनकम्प्लीट मिलेगा। हालांकि मैंने अपने विद्यालय की बेसिक प्रोफाइल को पहले ही कंप्लीट कर लिया है इसलिए मुझे यहाँ कंप्लीटेड लिखा मिल रहा है, परंतु आपको यहाँ इनकम्प्लीट लिखा मिलेगा। और यदि आपने मेरे उन वीडियो की सहायता ली होगी तो यहाँ आपको सभी दूर कंप्लीटेड लिखा मिलेगा। तो आपको जो यहाँ इनकम्प्लीट लिखा मिल रहा है उसको आपको कंप्लीट कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है बेसिक स्कूल प्रोफाइल लोकेशन मैनेजमेंट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की एंट्री आपको यहाँ करनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी, तो आपके स्कूल से संबंधित संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। आपको जो यहाँ इंफॉर्मेशन बताई जा रही है इंफॉर्मेशन को आपको क्रॉस चेक करना है और फिर आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको सभी इंफॉर्मेशन को बारीकी से चेक करना है। यदि आपको यहाँ कोई इंफॉर्मेशन गलत लगती है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपके ब्लॉक MIS से संपर्क करना है। जो भी गलती लगती है आपको उसमें आपको सुधार करवाना है, उसके बाद ही आपको यहाँ मार्क एस कंप्लीट का जो ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाया गया है इस पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन आपको एक ही बार यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। यदि आपने यहाँ जो इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले की जा रही है वो गलत अप्रूव कर दी तो ये ऑप्शन आपके सामने से यहाँ हटा लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है
कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले की जाए वो सही होनी चाहिए, और यदि उनमें किसी प्रकार की भिन्नता है तो आप अपने ब्लॉक MIS से संपर्क करके सबसे पहले अपने विद्यालय की बेसिक प्रोफाइल को UDISE पोर्टल पर अपडेट करवा लीजिएगा। उसके बाद आपको इस पेज को ओपन करना है, और जब आप पेज को ओपन करेंगे तो आपको सभी इंफॉर्मेशन यहाँ सही नजर आएगी। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है मार्क एस कंप्लीट का, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको यहां ऊपर की ओर मैसेज मिल जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली, मतलब जो आपका पहले नंबर का पेज UDISE के प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज मॉड्यूल में सेव नहीं हो रहा था वो अब आपको इस प्रक्रिया को अपनाते हुए सेव कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का अगला पेज ओपन कर दिया जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैक टू डैशबोर्ड नेम से, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन कर दिया जाएगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं ओवरऑल स्टेटस आपको यहां कंप्लीट ऑल फॉर्म लिखा मिलना चाहिए, और यदि आपको कंप्लीट ऑल फॉर्म यहां नहीं लिखा मिलता है तो आपको जो यहां सभी प्रकार के फॉर्म अवेलेबल करवाए गए हैं उनके सम्मुख आपको यहाँ कंप्लीट लिखा मिलना चाहिए। सभी फॉर्म पर आपको क्लिक करके इनमें क्या क्या सूचनाएं मांगी गई है उन इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करवा देना है, तो आपको यहाँ पर सब दूर कंप्लीटेड लिखा मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं कि यदि आप डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है, परंतु साथियों जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी UDISE पोर्टल पर इस टैब को एक्टिव नहीं किया गया है, इसलिए आप डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड अभी यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की हम बात करें स्कूल रिपोर्ट कार्ड की, तो स्कूल रिपोर्ट कार्ड यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो UDISE पोर्टल पर अभी इस मॉड्यूल को भी लाइव नहीं किया गया है, आप यहां से स्कूल रिपोर्ट कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड तो आपके सामने हो जाएगा परंतु आप उसे ओपन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही ये दोनों मॉड्यूल UDISE पोर्टल पर लाइव होंगे मैं फिर से आपको वीडियो के माध्यम से सूचना दे दूंगा कि आपको डिटेल रिपोर्ट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और स्कूल रिपोर्ट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अवेलेबल करवाई है निश्चित ही ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी होगी। यदि इन्फॉर्मेशन आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि उनका कार्य भी आपकी तरह आसान हो जाए, और आप मुझसे किसी भी प्रकार के तकनीकी सवाल पूछना चाहते हैं वीडियो संबंधी सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।